क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। एशिया कप की उल्टी गिनती शुरू हो गई और जल्द ही टीम इंडिया श्रीलंका भी रवाना होगी, लेकिन इससे ठीक पहले बेंगलुरु में टीम इंडिया का कंडीशनिंग कैंप लगा है, जिसमें तैयारियों को न सिर्फ परखा जा रहा है बल्कि फाइनल दांव की भी तैयारी हो रही है। अब टीम इंडिया को जिस परफेक्ट 11 की तलाश थी वो पूरी हो गई है, जिस छक्का मारने वाले बॉलर की तलाश थी वो पूरी हो गई है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर फॉर्मूला बदला जा रहा है। कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के अपने पहले मैच के लिए जुआ खेलने को तैयार हैं। तो बेंगलुरु कैंप में क्या दिखाई दी तस्वीर, कैसा होगा कॉम्बिनेशन, सब कुछ आपको दिखाते हैं बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये कॉम्बिनेशन कितना सटीक है कितना गलत, कमेंट जरूर करें। तो टीम इंडिया एशिया कप के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तलाश कर रही है और ऐसे बैट्समैन की तलाश कर रही है जो कि बॉलिंग कर सके, और ऐसे गेंदबाजों की तलाश है जो कि छक्के मार सके, क्योंकि वही टीम बड़े मैच बड़े टूर्नामेंट जीतती है जिसमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही जगह गहराई। और इसके लिए अब बेंगलुरु में नया फॉर्मूला अपनाया गया और यहां हुई प्रैक्टिस में जो तस्वीर नजर आई है यानी कि टीम को लेकर पक्की खबर यहां पर मिल गई है। अब वो टीम क्या होने वाली वो आपको बता दें। बेंगलुरु में जोड़ी बनाकर बैटिंग की प्रैक्टिस की गई और सेंटर विकेट पर सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराई गई जो कि पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा शुभमन गिल प्रैक्टिस करने हैं और दोनों ने जोड़ी बनाकर प्रैक्टिस करी। करीब 2 घंटे तक यही दोनों बल्लेबाज सेंटर विकेट पर बैटिंग करते रहे, यानी कि साफ है रोहित शर्मा शुभमन गिल ही पारी की शुरुआत करेंगे, इसमें कोई शक या शिकवा बचा नहीं है। इसके बाद सेकंड पेयर के रूप में विराट कोहली श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की, यानी कि ये भी साफ है कि विराट तीसरे नंबर पर तो श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर आकर खेलेंगे, मतलब ये भी साफ है सूर्या हो तिलक वर्मा या फिर संजू सैमसन इन जैसे किसी भी खिलाड़ी को पाकिस्तान के खिलाफ टीम में जगह मिलने वाली नहीं है, मिडिल ऑर्डर में इनकी कोई जगह बनती नहीं दिख रही है। इसके बाद हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा ने बैटिंग की, जी हां जड्डू और हार्दिक ने भी पेयर में बैटिंग की और दोनों ने भी करीब 2 घंटे की बैटिंग प्रैक्टिस की सेंटर विकेट पर। जब बैटिंग प्रैक्टिस हुई तो पूरे 6 घंटे की प्रैक्टिस रही और जिसमें तीनों जोड़ियों ने 2-2 घंटे की बैटिंग की, मतलब साफ है कि जड्डू और हार्दिक भी खेलेंगे, 6ठे और 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। अब बात करते हैं विकेट कीपर की जो कि 5वें नंबर पर खेलेगा, तो वो होंगे ईशान किशन। अब वो क्यों होंगे, क्योंकि ईशान ने तो सेंटर विकेट पर बैटिंग भी नहीं की, लेकिन कीपिंग की प्रैक्टिस करने वाले एकमात्र खिलाड़ी ईशान किशन ही रहे। जी हाँ राहुल ने भी सेकंड विकेट पर प्रैक्टिस की थी और राहुल काफी अच्छे भी दिखे थे, लेकिन विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस के राहुल ने नहीं की क्योंकि राहुल अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, और ऊपर से संजू सैमसन ने भी विकेट कीपिंग की कोई प्रैक्टिस यहाँ नहीं की। तो लिहाजा कन्फर्म है कि ईशान किशन ही विकेट कीपिंग करेंगे, 5वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी भी करेंगे, और 7 बल्लेबाजों में से अब 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जड्डू और हार्दिक जो कि पूरे 10 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं, और यही कॉम्बिनेशन यहाँ तलाशा जा रहा था। आगे देखिए अब बॉलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर मुख्य तेज गेंदबाजों की बलि दी जा रही है क्योंकि एक ऐसा बॉलर खिलाना था जो कि बैटिंग कर सके छक्का मार सके, और वो हैं शार्दुल ठाकुर। जी हाँ शार्दुल ठाकुर टीम के पहले तेज गेंदबाज हैं जिनकी जगह पक्की हो गई है। शार्दुल आकर 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाजी में भी योगदान देंगे, यानी कि ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। अब शार्दुल खेलेंगे तो फिर 2 ही बाकी के तेज गेंदबाज होंगे, और यानी कि ये बहुत बड़ा जुआ यहाँ पर हो सकता है जो कि रोहित शर्मा खेलने जा रहे हैं, क्योंकि तेज गेंदबाजी में पहले होंगे जसप्रीत बुमराह जो कि वापस आ चुके हैं टीम में फॉर्म में भी आ गए हैं, और दूसरे होंगे सिराज। अब सिराज और जस्सी खेलेंगे, लेकिन मोहम्मद शमी प्रसिद्ध कृष्णा जैसे दिग्गज गेंदबाजों को बेंच पर बैठना होगा और शमी जैसा सीनियर खिलाड़ी बाहर बैठेगा क्योंकि शार्दुल को खिलाना है और वो छक्के मार सकता है, और यही कॉम्बिनेशन तलाशा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर मुख्य तेज गेंदबाज नहीं खेलेंगे तो क्या टीम इंडिया को ये भारी पड़ जाएगा, तो ऐसे में इसीलिए इस टीम कॉम्बिनेशन को रोहित शर्मा का बड़ा जुआ कहा जा रहा है। अब स्पिनर्स की बात करें तो कुलदीप यादव को यहाँ पर एंट्री मिलने जा रही है क्योंकि वो अकेले लेग स्पिनर यहाँ पर टीम में मौजूद हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला कैंडी में है, लिहाजा तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, और इसीलिए शार्दुल यहाँ पर खेलेंगे, जबकि अगला मुकाबला प्रेमदासा स्टेडियम में जब होगा तो वहाँ स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो ऐसे में शार्दुल की जगह पर अक्षर पटेल टीम में आएंगे, यानी कि हर हाल में 8वें नंबर पर बैटिंग करने वाला बॉलर चाहिए, और इसी रणनीति के साथ टीम इंडिया अपनी प्रैक्टिस कर रही है, टीम बनाई जा रही है और परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलने की बात कही जा रही है जिस पर करीब मुहर लग चुकी है। तो आपका इस कॉम्बिनेशन पर इस टीम पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बेंगलुरु में एक हफ्ते का कंडीशनिंग कैंप लगाया गया जिसमें एशिया कप के लिए तैयारी हो रही है। वैसे तो यो-यो टेस्ट पहले भी होता रहा है, मगर इस बार कोविड के बाद लंबे समय बाद यो-यो टेस्ट की वापसी हुई और उसके आधार पर ही फिटनेस को मापा गया है। बीसीसीआई का यो-यो टेस्ट पास करने का नंबर 16.5 है, यानी कि इस स्कोर से ज्यादा होने पर ही खिलाड़ी को यो-यो टेस्ट में पास माना जाता है। तो पहले आपको वो खिलाड़ी बताते हैं जिन्होंने यो-यो टेस्ट पास किया और फिर फेल हुए खिलाड़ियों के नाम बताएंगे।
यो यो टेस्ट में मैदान में कुछ कोन लगाए जाते हैं जिसके बीच में दौड़ लगानी होती है और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना होता है क्योंकि हर बार एक चक्कर पूरा करने का समय कम होता रहता है। अब इसी यो यो टेस्ट में विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया। हमेशा की तरह विराट कोहली अव्वल रहे। विराट कोहली का स्कोर 17.2 रहा और विराट ने यो यो टेस्ट सबसे ज्यादा नंबर के साथ पास कर लिया। शुभमन गिल ने भी यो टेस्ट को पास किया। गिल विराट से थोड़ा सा ही पीछे रहे। शुभमन गिल का यो टेस्ट का स्कोर 17.1 रहा। कप्तान रोहित शर्मा ने भी यो टेस्ट वैसे तो पास कर लिया मगर रोहित को लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई। सूत्रों के मुताबिक रोहित का यो यो स्कोर 16.4 था, यानी कि रोहित शर्मा 16.5 का स्कोर हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी रोहित को पास कर दिया गया क्योंकि रोहित को 0.1 नंबर का ग्रेस दिया गया क्योंकि बीच में रोहित शर्मा पलटते वक्त थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे। फिट होकर टीम में लौटे श्रेयस अय्यर का भी यो टेस्ट पास हो गया। श्रेयस अय्यर ने 16.9 का स्कोर हासिल किया। हार्दिक पांड्या ने भी यो यो टेस्ट अच्छे नंबर्स के साथ पास किया है। हार्दिक का यो यो स्कोर 17.1 करा। ईशान किशन ने भी यो टेस्ट पास किया। ईशान किशन ने यो यो टेस्ट में पूरे 17 अंक हासिल किए, यानी कि हार्दिक और विराट से थोड़ा सा ही पीछे रहे। रविंद्र जडेजा ने तो विराट कोहली की बराबरी की। जी हाँ, जडेजा ने भी 17.2 का स्कोर हासिल किया और विराट के बराबरी यो यो टेस्ट में फिटनेस साबित कर दी। कुलदीप यादव ने भी योयो टेस्ट 16.7 अंकों के साथ पास कर लिया। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी योयो फिटनेस टेस्ट पास किया और सूर्या का योयो स्कोर रहा 16.9। अक्षर पटेल ने भी योयो टेस्ट में 16.8 अंक हासिल किए और योयो टेस्ट को आसानी से पास कर लिया। अब ये तो रहे वो खिलाड़ी जिन्होंने यो यो टेस्ट पास कर लिया, जबकि जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा अभी आयरलैंड से लौट रहे हैं और उनका यो यो टेस्ट बाद में होगा। वहीं केएल राहुल का यो यो फिटनेस टेस्ट लिया ही नहीं गया क्योंकि वो पूरी तरह से फिट नहीं है, जबकि यहीं पर 3 दिग्गज यो यो टेस्ट में फेल भी हो गए। जी हां, यो यो टेस्ट में फेल होने वाले पहले और सबसे बड़े नाम है मोहम्मद शमी। दिग्गज बॉलर शमी ने यो यो टेस्ट के लिए 2 अटेम्प्ट लिए मगर दोनों ही बार शमी फेल हो गए। 16 का स्कोर हासिल नहीं कर पाए। शमी का फाइनल योयो का स्कोर 15.9 का रहा। दूसरे खिलाड़ी रहे शार्दुल ठाकुर। जी हाँ, शार्दुल का स्कोर 16 के पार तो पहुंच गया मगर बीसीसीआई का जो बेंचमार्क 16.5 था वो पार नहीं कर पाए। शार्दुल का योयो टेस्ट स्कोर रहा 16.2। तीसरे खिलाड़ी रहे मोहम्मद सिराज। अब इन दोनों से तो सिराज बेहतर रहे और सिराज का स्कोर 16.4 का रहा, लेकिन हाँ, सिराज भी 16.5 को क्रॉस नहीं कर पाए और योयो टेस्ट में फेल हो गए। हालांकि खबर ये भी है कि ये तीनों ही तेज गेंदबाज हैं, लिहाजा तीनों को योयो टेस्ट में छूट दी गई है मगर आगे से फिटनेस को बेहतर करने के लिए कहा गया, यानी कि श्रीलंका खेलने एशिया कप के लिए सारे के सारे खिलाड़ी जाएंगे, फिर चाहे वो योयो टेस्ट में फेल हो या फिर पास। लेकिन हाँ, अगले कुछ महीनों में या कहें कि वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर से इन फेल खिलाड़ियों का योयो टेस्ट होगा और वहां पर इन्हें टेस्ट को पास करना ही होगा, जो कि फिर से टीम सिलेक्शन में एक बड़ा मापदंड बनने जा रहा है। तो आपका इस पूरी लिस्ट पर, योयो टेस्ट पर, खिलाड़ियों के स्कोर पर, अपने पसंदीदा खिलाड़ी के योयो टेस्ट स्कोर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।